गया पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र के पुराने गोदाम में पूर्व चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय भारद्वाज के होलसेल गोदाम में 22 नवंबर की चोरी की घटना में संलिप्त दो अपराधियों को चोरी के 93,500 रुपए सहित दो देशी लूट कट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। इस मामले में सिटी एसपी प्रेरणा कुमार ने बताया कि चोरी की घटना के बाद एसआईटी टीम का गठन किया गया था और डॉग स्क्वाड, टेक्निकल सेल और सीसीटीवी की मदद से पूरे मामले की जांच की जा रही थी। एसपी सिटी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर किरानी घाट फल्गुन नदी के किनारे अपराध की योजना बनाते कुछ लोगों को हथियार के साथ बैठे होने की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस को देखकर लोग भागने लगे। घटनास्थल पर से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया जिसकी पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अबगिला निवासी मोहम्मद इम्तियाज उर्फ किल्टू के रूप में हुई है। इसकी निशानदेही पर मीठा पेट्रोल पंप के पास से दो देसी लोडेड कट्टा, आर्टिका गाड़ी, गैस कटर और चोरी के 93,500 बरामद किए गए। इसके साथ कांड में संलिप्त अबगिला निवासी मोहम्मद शाहिद उर्फ पप्पू को भी गिरफ्तार किया गया है। सिटी एसपी प्रेरणा कुमार ने बताया कि दोनों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। अब तक विभिन्न थाना क्षेत्र में 8 कांडों में इनकी संलिप्तता पाई गई है। शेष अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं एसपी सिटी प्रेरणा कुमार, आप भी सुनिए। 22/11/2024 को कोतवाली थानों को सूचना प्राप्त हुई थी कि पुरानी गोदाम में एक रिफाइन के होलसेल की दुकान है जहां पर रात में चोरी की घटना को कारित किया गया था, जिसमें उनके लॉकर को काटकर उसमें से पैसों की चोरी की गई थी। तो उसी केस में उस दिन जो एसएचओ कोतवाली है तुरंत रश किए थे, उसके बाद एसडीपीओ भी वहां पहुंचे थे, मैं भी स्वयं पहुंची थी और घटना के निरीक्षण के लिए स्वयं वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय गया भी वहां पे पहुंचे थे। उसके उपरांत जो पीओ है उसका निरीक्षण किया गया था, वहाँ पे डॉग टीम को भी बुलाया गया था, एफएसएल की टीम भी आई थी, उन्होंने भी अपना जो एफएसएल से रिलेटेड जो निरीक्षण होता है उसको किया गया था, टेक्निकल सेल भी वहाँ पहुँची थी। तो हर तरह से उसमें जो उद्भेदन के लिए उसमें जो कोशिश थी वो की जा रही थी। उसी क्रम में एक एसआईटी का गठन किया गया था जिसमें नगर पुलिस उपाधीक्षक वन और एसएचओ कोतवाली इन लोग के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी जिसमें टेक्निकल सेल भी था। लगातार वो लोग सीसीटीवी कैमरा से लेकर टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ कर रहे थे। उसी में इस केस को लेकर कोतवाली में 617/2024 एफआईआर दर्ज की गई थी और आगे की कार्रवाई की जा रही थी, अनुसंधान को प्रारंभ किया गया। इसी क्रम में 2 दिसंबर 2024 को कोतवाली थाना को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराधकर्मी हथियार और गोली लेकर ये किरानी घाट के जो नदी साइड वाला एरिया है वहाँ पर बैठकर कुछ योजना बना रहे हैं। तो इसकी सूचना देते हुए ये लोग तुरंत वहाँ पे रश किए और वहाँ पर देखा गया कि कुछ लोग बैठे हुए थे और पुलिस की टीम को देखकर भागने लगे। तो उसी क्रम में एक अपराधी पकड़ाया गया जिसका नाम है मोहम्मद इम्तियाज उर्फ फुलटुन, जो कि अबगिला थाना मुफस्सिल क्षेत्र का है। उसके द्वारा बताया गया तो उसके बाद हम लोगों ने जो स्थल था उसका निरीक्षण किया तो वहाँ से दो देसी कट्टा तथा जब कट्टा को अनलोड किया गया तो दो जिंदा कारतूस को बरामद किया गया, जिसके लिए कोतवाली में थाना कांड संख्या 631/24 को दर्ज किया गया है। तो ये जो पकड़ाया मोहम्मद इम्तियाज और फुलटुन था, जब उससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि इसके और इसके सहयोगियों ने मिलकर इस जो पुरानी गोदाम में चोरी की घटना हुई थी उसको इन लोगों ने किया था। इसके द्वारा बताया गया कि 22/11/2024 को पुरानी गोदाम में जो रिफाइन की जो होलसेल की दुकान थी उसमें ये लोग सब पहुंचे रात में एक अर्टिगा गाड़ी को लेकर, और वहां पे फिर इन लोगों ने जो ताला है उसको तोड़ा और अंदर जाकर जो वो जो लॉकर था उसको तोड़ा और उसमें से फिर पैसों को चोरी किया गया है। और इसमें जो इसने बताया इसकी निशानदेही पर मुफस्सिल थाना अंतर्गत मेहता पेट्रोल पंप के पास दुकान से एक गैस कटर, एक गैस सिलेंडर एवं घटना में जो अर्टिगा गाड़ी थी वो बरामद हुई है, प्लस चोरी में जो इसके हिस्से के पैसे थे जो कि 93,500 है वो भी बरामद किए गए हैं। तो इसकी निशानदेही पे जो एक और व्यक्ति है उसको गिरफ्तार किया गया है, उसका नाम है मोहम्मद शाहिद उर्फ पप्पू, वह भी अबगिला थाना मुफस्सिल का ही है। दोनों को पकड़ के इन लोगों को आज भेजा जा रहा है और जो अन्य लोग हैं उनके लिए भी हम लोग छापेमारी लगातार कर रहे हैं, उन लोगों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और फिलहाल इन लोगों का जो आपराधिक इतिहास है कुल 8 केस हम लोग को अभी मिले हैं जो फिलहाल हमें पता है, बाकी हम लोग अभी और जाँच कर रहे हैं और आगे जो है जो बाकी बचे लोग हैं उनको भी हम लोग जल्द गिरफ्तार करके आगे इस केस का।
वो कितने लाख के दावा कर रहे थे? उनके द्वारा दावा किया गया था 8 से 10 लाख का, पर अभी इसका जो हिस्से के पैसे थे वो हम लोगों ने मतलब सीज किए हैं, बाकी जब और होंगे गिरफ्तार तो फिर आओ। कितने लोग? कितने लोग? इसके हिसाब से 5 लोग थे और हम लोग उसको फिर आगे सभी मुफस्सिल थाना अभी तक जो सूचना है सब मुफस्सिल अब्दुल्ला के ही है।